माई स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम ऑन माई चैनल मैस विद आना। जो भी क्लास 10 में न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और वो पूरी क्लास 10 का एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एज यू रीड द क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या कर रहा है, 322 को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर छोड़े और 457 को डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर छोड़े, तो ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा द लार्जेस्ट नंबर बी द HCF ऑफ, किस किस का HCF होगा, 322 में से 5 माइनस करोगे एंड 457 में से 7 माइनस करोगे, इनका जो हमारा HCF आएगा वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो हम क्या निकालना है, HCF निकालना है। 320 में से 5 गया 315 और 457 में से 7 गया 450। हम यूज़ करेंगे using Euclid's algorithm, Euclid algorithm का use करेंगे और 450 हमारा बड़ा है 315 से, तो हम 450 को divide करेंगे 315 से, 1 जा जाएगा 315, minus करेंगे 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, 135 आया। इसको हमें लिखने का तरीका वही, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर 315 मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस 135। अब हम क्या करेंगे, 315 को डिवाइड करेंगे 135 से, तो हम टूजा करते हैं, थ्रीजा तो बड़ा हो जाएगा, टूजा आपका आएगा 275, 11 में से 7 गया 445। तो इसको लिखने का तरीका 315 इज इक्वल टू 135 इंटू 2 प्लस 45। नाउ हम 45 से करेंगे 135 को, 3 जा शायद चला जाए, 3 5 15, हाँ कंप्लीट जा रहा है, यानी कि 135 हुआ हमारा 45 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर किससे आया, 45 से डिवाइड करने पर आया 0, therefore द HCF ऑफ 315 एंड 450 इज इक्वल्स टू 45। लाइन लिख दोगे, हैंस द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 leaving remainder 5 and 7 respectively is 45। प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।